आज हमें फख्र है एक चीज पे, जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, आज का जो पाकिस्तान है, या पीएसएल की बात हुई, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आज का जो पाकिस्तान है ये बदलता पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिस तरह से इमरान खान ने वादा किया था कि पूरे का पूरा जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, वो पाकिस्तान में होगा पूरे का पूरा। लोग कहते थे ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आज देख लें कि पूरे का पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, फॉरेन प्लेयर्स यहां आए हैं, यहां हमारी अफवाज पाकिस्तान को पूरा क्रेडिट जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा क्रेडिट जाता है कि आज पाकिस्तान के वो हालात हैं कि सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट बहाल हुई है, पाकिस्तान में एमसीसी जो है 47 साल के बाद वो पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान का टूरिज्म जो है वो डबल हुआ है, सीएन जो दुनिया का टॉप लग्जरी मैगजीन है वो कहता है कि पाकिस्तान 2020 की नंबर वन हॉलीडे डेस्टिनेशन है दुनिया की, और उसके साथ साथ फॉर्मर कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं और सीईओज हैं ग्लोबल कंपनीज के, वो अपनी छुट्टियां मनाने यहां मालूम जब आए हैं पाकिस्तान में आए हैं, और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म फिनोमिनल कमबैक ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक वी शुड टेक प्राइड इन दिस, नेशनल प्राइड भी एक चीज होती है, हो जाएगी सियासत कर लेंगे, अभी इलेक्शन में टाइम है। आजकल वो कह रहे हैं जी हम निकल रहे हैं, पहले भी निकले थे, पता नहीं किधर गए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज डायल आफ्टर 4 years, और उसके बाद फिर इलेक्शन हो गए, फिर दोबारा आप निकलना, क्योंकि फिर पीटीआई ने जीत के आना है। लेकिन अभी आप सियासत को छोड़ें, आए ये जो बेहतरीन चीजें हो रही है पाकिस्तान की, दुनिया को बताएं। आप यकीन कीजिए, अगर हम सब मिलके अपने मुल्क की पॉजिटिव स्टोरीज को उजागर करेंगे तो मुल्क बदलने में देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।